अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूँ मरियम आपा और मैं आपके पसंदीदा शो इल्म के आंगन के साथ हाजिर हूँ। इस हफ्ते भी आपने हमें बहुत सारे मैसेजेस भिजवाए और खूबसूरत ड्राइंग्स भी करके भेजी, तो आइए आप सबको शाबाशी दे देते हैं। जिन बच्चों ने हमें होमवर्क करके भेजा है उनमें से हमने 10 नाम चुने हैं और वो नाम हैं लैया से आयजा, सरगोदा से आतिफ अता, नौशेरा से हमाद खान, मियाँ चन्नू से खलील, रावलपिंडी से मलका, कुंदिया से मुबशर अली, हारूनाबाद से रजा हुसैन, शोरकोट से शिजा फातमा, कराची से उमर फारूक और रावलपिंडी से उस्मान। शाबाश बच्चों। पिछली किस्त में मैंने आपसे कहा था कि आप खुशी में जो भी करते हैं हमें उसकी तस्वीर बना के भेजें। बलीरा नवाब ने मर्दान से हमें एक तस्वीर बना के भेजी है जिसमें लिखा है कि व्हेन आई एम हैप्पी आई डांस, और ये बच्ची डांस कर रही है। वरीशा ने हमें फल बना के भेजे हैं और कहा है आई ईट फ्रूट्स, जब वो खुश होती हैं तो वो फल खाती हैं। खदीजा अहमद ने लाहौर से हमें ईमान की ड्राइंग बनाकर भेजी है। अहमद रजा ने हमें साहिवाल से पिंकी की ड्राइंग बनाकर भेजी है जो कह रही है आई एम पिंकी। रावलपिंडी से मुकद्दस ने हमें कायद आजम और जैनब की ड्राइंग बनाकर भेजी है। हमें पिंकी और जोजो की भी बहुत सारी ड्राइंग्स मिली हैं जिनमें से कुछ ड्राइंग्स पे बच्चे अपना नाम लिखना भूल गए हैं, तो बच्चों अगर आप नाम नहीं लिखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये ड्राइंग कहाँ से आई है। हमें अबेश ने कराची से पिंकी और जोजो बनाकर भेजे हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी तरह पिंकी, जोजो और बंटी की ड्राइंग हमें इस्लामाबाद से नेहा मलिक ने बना के भेजी है। अभी फातिमा हाशमी ने भी हमें पिंकी, जोजो और उनके दोस्तों की एक बहुत रंगीन और खूबसूरत ड्राइंग बनाकर भेजी है। इस हफ्ते भी आपको होमवर्क मिलेगा और कई सारी ड्राइंग्स बनाने का मौका भी मिलेगा, तो कॉपी पेंसिल ले आएं और इस किस्त को भी गौर से देखिए। आप अब ज़रा स्क्रीन पर देख के बताइए कि ये है क्या। बिल्कुल, ये हमारे मुल्क पाकिस्तान का झंडा है और ये हम अक्सर अपनी छतों पर भी लगाते हैं। बचपन में मैं और मेरे दोस्त मुकाबला करते थे कि कौन ज़्यादा देर झंडा लहराएगा और जिसके मसल ज़्यादा मजबूत होते थे वो जीत जाता था। और मसल्स मजबूत कैसे होते हैं? वर्जिश करके। बिल्कुल, तो चलिए अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से की तरफ चलते हैं और 5 मिनट वर्जिश कर लेते हैं ताकि हमारे मसल्स मजबूत हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम है मरियम और आज हम मिलके करने जा रहे हैं एक बहुत मज़े की वर्जिश जिसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट चाहिए। तो हम और इंतज़ार नहीं करते हैं और अपना टाइमर करते हैं शुरू। टाइमर के शुरू में आपके पास 10 सेकंड है तैयार होने के लिए। पहली एक्सरसाइज का नाम है फ्रॉग जंप, यानी कि आपने मेंढक की तरह जंप लगानी है। क्या आप तैयार हैं? लेट्स स्टार्ट। मेंढक बने और ऊपर को छलांग लगाएं। मेंढक बने और ऊपर को छलांग लगाएं। मैं आपको साइड से भी दिखाती हूँ। नीचे बैठना है और ऊपर छलांग मारनी है। नीचे बैठें और छलांग मारें। कितनी आसान एक्सरसाइज है ये। आपके पास सिर्फ 10 सेकंड रहते हैं। देखें आप कितनी दफा छलांगे मार सकते हैं। स्माइल करें, स्माइल करना किसी ने नहीं भूलना। और थोड़ी सी देर और रहती है, एक और छलांग मारते हैं
और रेस्ट करते हैं 10 सेकंड के लिए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, हमने अपने टो को हाथ लगाना है। बाजू ऊपर लेके जाते हैं, दाया बाजू और दूसरा टो, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। मैं आपको साइड से भी दिखाती हूँ, राइट टू लेफ्ट। जितनी आप ज्यादा ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर सकते हैं उतनी ज्यादा आपने ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है और अपने टोज को अपनी उंगलियों से जोड़ना है। ये आपने कोशिश करनी है। साथ में आप सांस लेते रहें और स्माइल करते जाएं, क्योंकि ये एक्सरसाइज मुझे पता है आप मेरे से भी अच्छी कर सकते हैं। ऑलमोस्ट डन और खत्म। अगली एक्सरसाइज का टाइम आ गया है। ये मुझे पता है आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इसमें हम करेंगे कराटे किक। रेडी, लेट्स स्टार्ट। 1, 2, 3, 4 दूसरी साइड, 1, 2, 3, 4 राइट ऊपर की तरफ और दूसरी साइड। मैं आपको साइड से भी दिखाती हूँ, जितना ऊपर आप किक कर सकते हैं उतना ऊपर आपने किक करना है और अपने बाजुओं को नीचे लेके जाना है। दूसरी साइड पे लास्ट टाइम, ऑलमोस्ट देयर, मेरे साथ रहे और खत्म। शेक करते हैं, सिर्फ 2 एक्सरसाइजेस। चले अब हम 10 सेकेंड वेट करते हैं और दूसरे राउंड के लिए तैयार हो जाते हैं। यही एक्सरसाइजेस हमने शुरू से करनी है। क्या आप तैयार हैं? फ्रॉग जंप, मेंढक बने और ऊपर छलांग मारें। क्या आप और तेज कर सकते हैं? कोर को अपने अपने टाइट रखना है, स्माइल करना है और आपने बस छलांगें मारनी है और मजा करना है। हमने अपने आप को सिर्फ चुस्त रखना है, एक्टिव रखना है, इसलिए हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं और हम सब मिलके वर्जिश कर रहे हैं ताकि हमें मजा आए और ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रहे। ऑलराइट, शेक करते हैं और दूसरी एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको याद है कौन सी थी? डोंट टच, वेरी गुड। रेडी, बाजू ऊपर और अब हम उंगलियों को टोस के साथ जोड़ रहे हैं। क्या आप और तेज कर सकते हैं? मेरे से ज्यादा तेज कौन कौन कर सकता है? साथ में करते हैं, मिलके करते हैं। घर पे अपने बहन भाइयों के साथ करें, उनके साथ मुकाबला लगाएं और देखें कि कौन सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से वर्जिश कर सकता है। ब्रीद, सांस लेना आपने नहीं भूलना। खत्म होने लगा है और खत्म हो गया। एक और एक्सरसाइज, आखिरी दफा किक्स करनी है। मुझे पता है आपको किक करने का बहुत शौक है। बाजू ऊपर किक करते हैं, एक साइड पे 5 दफा, फिर दूसरी साइड पे 5 दफा। किक किक किक, ऊपर दूसरी साइड, जल्दी जल्दी करते हैं। थोड़ी सी टाइम और रहता है हमारे पास, चलिए और तेज कर सकते हैं तो और तेज करें। मेरे से कौन ज्यादा तेज करके दिखाएगा? एक और दफा और खत्म। 2 आसान सी एक्सरसाइजेस रहती हैं। पांव खोल के खड़े होते हैं, सामने देखते हैं, बाजू यहां रखते हैं और एक साइड पे चले आते हैं और अपने टांग को स्ट्रेच करते हैं। 30 सेकेंड के लिए यही रहते हैं। ऐसा लग रहा है ना कि हम स्पाइडरमैन की पोजीशन में आ गए हैं। स्पाइडरमैन कौन कौन देखता है? स्पाइडरमैन इसी तरह लंच करता है साइड पर और अपने वेब शूट करता है। इधर ही रहे 5 और सेकेंड, स्माइल करें, मेरे साथ रहना है आपने, गिव अप नहीं करना और सेंटर में आए। यही चीज अब हम इस साइड पे करते हैं और ये आपकी आखिरी एक्सरसाइज है आज के दिन की। रेडी, आखिरी 30 सेकेंड इस साइड पर। आराम से रहें, अपना स्ट्रेच, अपनी टांग को स्ट्रेच करें, स्माइल करें। थोड़ी सी देर और रहती है और हमारे आज के दिन की वर्जिश हो जाएगी खत्म। ऐसे ही रहें थोड़ी सी देर और। पहले हमने कितनी भाग दौड़ की है, अब हम एक ही मूव को देर तक होल्ड कर रहे हैं और अपने आप को टेस्ट कर रहे हैं। इधर ही रहे थोड़ी सी देर और खत्म। बहुत खूब बच्चों, बहुत अच्छी वर्जिश की। मेरा नाम है मरियम और मैं अब आपको मिलूंगी अगली दफा। अल्लाह हाफिज।
अब मुझे वर्जिश करने की आदत हो गई है ना, इसलिए मैं चुस्त भी रहती हूँ और मुझे मेरे मसल्स मजबूत भी लगते हैं। अब मुझे लगता है मैं किसी भी रेस में हिस्सा लूँगी तो जीत जाऊँगी। आपको रेस में हिस्सा लेना पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। ओह, एक रेस वाली कहानी याद आई, क्यों ना आज हम कहानी आंटी सानिया से कहें कि हमें वो रेस वाली कहानी सुनाएं जिसमें दो जहाज हैं, बूम बूम और टुक टुक। कहानी आंटी सानिया प्लीज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ कहानी आंटी सानिया और मैं आपको कहानियाँ सुनाती हूँ वो जो मुझे पसंद हैं। आज की कहानी एक बहुत ही स्पेशल कहानी है मेरे लिए, क्योंकि आप सबको अपने दोस्त पसंद है ना, उनसे प्यार भी होगा, उनके साथ आप खेलना भी चाहते होंगे। मैं अपने दोस्तों के साथ सारी दुनिया देखना चाहती हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आया ये कहानी पढ़ के, क्योंकि इसमें भी कुछ ऐसे ही दोस्त हैं जो साथ सफ़र करना चाहते हैं, दुनिया देखना चाहते हैं, चीज़ें देखना चाहते हैं। मैं कितना बोलती हूँ ना, पता है। कहानी सुनाती हूँ। कहानी आज की है हवाई जहाज़ की रेस और इसकी मुसन्निफा हैं फातिमा एजाज़ और मुसव्विर हैं फैज़ान अहमद। शाम का वक्त था और बूम बूम अपने दोस्तों से मिलने जा रहा था। अचानक उसे एक इश्तहार नज़र आया। इसे देखकर बूम बूम खुशी से चीखा, यहू! बूम बूम भागता हुआ अपने दोस्तों के पास आया और कहा, मैं K2 रेस में हिस्सा ले रहा हूँ। ये पाकिस्तान की मशहूर जगहों से गुजरती हुई K2 पर ख़त्म होगी। वाकई? मुझे भी K2 देखना है, टुक टुक ने जोश से कहा। तुम तो इतना आहिस्ता उड़ते हो, तुम तो रेस खत्म होने के 2 दिन बाद पहुंचोगे। बूम बूम हंसा। मैं तुम्हें जीत के दिखाऊंगा, टुक टुक ने गुस्से से कहा और चला गया। अगले दिन से बूम बूम और टुक टुक ने जोरों शोर से तैयारी शुरू कर दी। रोज सुबह उठकर वर्जिश करते और दौड़ लगाते। आखिरकार मुकाबले का दिन आ गया। तमाम जहाज पूरी तैयारी के साथ आए थे। मेरी खाक खाने के लिए तैयार हो जाओ टुक टुक, बूम बूम ने कहा। अपने अल्फाज खाने के लिए तैयार हो जाओ बूम बूम, टुक टुक ने कहा। बूम बूम जोर से चीखा, वो देखो नीचे समंदर है। कितना नीला पानी है। समंदर से एक डॉल्फिन ने छलांग लगाई और स्प्लैश। बूम बूम जोर से चीखा। अब तो मैं जीतूंगा, टुक टुक ने जोर का कहका लगाया और आगे निकल गया। बूम बूम वापस हवा में उड़ा। उसे अपने आगे से टुक टुक की आवाज आई, ये तो थर का सहरा है, इतनी सारी रेत देखो। अच्छू अच्छू, बोलते बोलते उसे जोर की छींक आई। अच्छू अच्छू, उसे मजीद छींकें आईं। बूम बूम हंसता हुआ आगे निकल गया। इस गार में क्या है, बूम बूम ने नीचे देखते हुए सोचा और तजस्सुस के मारे अंदर चला गया। आहा, ये तो खेड़ा की नमक की काने हैं। वो जैसे ही बाहर निकला, भाऊ, टुक टुक जोर से चीखा, आ आ, बूम बूम कलाबाजी खाकर उल्टा हो गया। हंसते हुए टुक टुक आगे निकल गया। छांगा मांगा के जंगलात पर से गुजरते हुए अचानक टुक टुक की आवाज आई, मैं जरा जंगल के बादशाह को सलाम तो कर लूं। ये कहते ही उसने एक गोता लगाया और आ आ, उफ उफ उफ, टुक टुक दरख्तों में फंस गया था। मुझे निकालो यहां से, बूम बूम। आखिरकार बूम बूम पलटा और टुक टुक को दरख्त से निकाला। शुक्रिया बूम बूम, टुक टुक ने कहा। जूम, अचानक दोनों को आवाज आई। जूम जूम उनसे आगे निकल गया था। बूम बूम और टुक टुक तेजी से उड़ने लगे, तेज
बहुत तेज, लेकिन अभी भी जूम जूम उनसे बहुत आगे था। अब तो हम नहीं जीत सकते, टुक टुक ने अफसरदगी से कहा। कोई बात नहीं, हम अभी भी केटू तो देख सकते हैं, बूम बूम ने जोश से कहा। वो देखो, टुक टुक ने जोर से कहा, वो रही केटू की चोटी। जबरदस्त, ये कितना ऊंचा है, बूम बूम ने हैरानी से कहा। तो ये है केटू, दोनों ने कहा और एक साथ वहीं बैठ गए। है ना मजे की कहानी? ये है मजा, दोस्तों के साथ खेलने का और दोस्तों के साथ सफर करने का। क्यों? ये क्या हुआ? ये तो कोई और ही जीत गया। लेकिन चलें, बूम बूम और टुक टुक ने भी पाकिस्तान के कितने खूबसूरत हिस्से देख लिए। आपने याद किया कि वो कहां कहां से गुजरे थे? आए स्क्रीन पर उन सब जगहों के नाम दोबारा देख लेते हैं। समंदर, सहरा, छोड़ा की नमक की कान, छांगा मांगा के जंगलात, और आखिर में केटू की चोटी। ये तो बहुत सारी जगह हैं। हमें बूम बूम और टुक टुक ने एक बहुत अच्छी बात भी सिखाई है, और वो ये कि जब हम नाकाम हो रहे हों, यानी जब हमें लगे कि हम हार रहे हैं, तो गुस्सा तो आता है, दुख भी होता है। जैसे मैंने पिछली किस्त में भी बताया था कि दुख होना और खुशी होना तो आम सी बातें हैं, लेकिन गुस्से और दुख में हम जो करने का फैसला करें वो हमारे हाथ में होता है। इसी तरह जब टुक टुक आगे निकल गया तो बूम बूम को गुस्सा तो आया, लेकिन जब उसने देखा कि वो फंस गया है और उसको मदद की ज़रूरत है, तो उसने अपना गुस्सा छोड़कर उसकी मदद की। इसी तरह हमें भी चाहिए कि मुकाबले में भी अगर किसी को हमारी मदद की ज़रूरत पड़े तो हम उसकी मदद ज़रूर करें, क्योंकि खेलने का मकसद सिर्फ जीतना नहीं होता, खेलने का मकसद ये भी होता है कि हम मज़ा करें, नई नई चीज़ें सीखें और दोस्त भी बनाएं। अगर हम जीत जाएं और हमें खेल में मज़ा ही ना आए तो क्या फ़ायदा? उससे तो अच्छा है कि हम अपनी पूरी कोशिश करें और खेल को बहुत सारा इन्जॉय भी करें। उससे होगा ये कि जीत गए तो वाह, ना भी जीते तो मज़ा तो आएगा ना। बूम बूम और टुक टुक को कितना मज़ा आया होगा। मेरा भी दिल चाहता है कि मैं पाकिस्तान के सारे खूबसूरत हिस्से देखूं। अब मैं देखने तो नहीं जा सकती फ़िलहाल, लेकिन आपसे ये ज़रूर कह सकती हूँ कि आपको जो पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत जगह लगती है, आप उसकी ड्राइंग बनाकर हमें व्हाट्सएप कीजिए, और व्हाट्सएप करने के लिए स्लाइड से नंबर देख लीजिए। ड्राइंग्स भेजने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0301-119-2319। दोहरा रही हूँ, 0301-119-2319। इस नंबर पे आप बच्चे हमें ड्राइंग्स बनाकर व्हाट्सएप कर दीजिए। होमवर्क के लिए नाम एसएमएस करने का जो नंबर है वो है 0300-060-2240। होमवर्क करके हमें अपने नाम एसएमएस करने का नंबर दोहरा रही हूँ, 0300-060-2240। नाम एसएमएस करते हुए शुरू में लिखिए ILM इल्म, बच्चे का नाम, शहर और उम्र।
क्या आप जानते हैं कि ये जो केटू पहाड़ हमने कहानी में देखा है, ये पहाड़ दुनिया के ऊंचे तरीन पहाड़ों में से दूसरे नंबर पर है। इस पहाड़ को देखने पूरी दुनिया से लोग आते हैं और देखकर कहते हैं, वाह, ब्यूटीफुल, बिग, ह्यूज, वाइट, टॉल। और ये सब वर्ड्स पता है क्या हैं? ये वर्ड्स एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो हमें नाउंस के बारे में और मालूमात देते हैं, यानी वो नाउंस को डिस्क्राइब करते हैं। तो आए आज इंग्लिश सीखने के हिस्से में एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ते हैं। I say red, yellow, green and blue. Red, yellow, green and blue. Orange, red, green and blue. Pink, purple, green and blue. Red, yellow, green and blue. Orange, pink, purple, brown. La 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 la. La 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 la. These are adjectives. These are adjectives. These are adjectives. I say fat, thin, light and dark, dirty, clean, curly and straight, long, short, soft and hard, hot, cold, soft and hard, fat, thin, light and dark, dirty, clean, curly, straight, la 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 la, la 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 la. These are adjectives, these are adjectives, these are adjectives. I say big, small, tall and short, slow, fast, happy and sad, heavy, light, old and new, wet, dry, old and new. Big, small, happy, sad, wet, dry, heavy, light. La 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 la, la 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 la. These are adjectives, these are adjectives, these are adjectives. अभी प्ले स्टोर से तालीम अबाद डाउनलोड करें। अरे वाह, ये तो आज हमने इतने सारे एडजेक्टिव सीख लिए। अब इन एडजेक्टिव्स के हम छोटे छोटे सेंटेंसेस भी बना सकते हैं, जो हमने पिछली किस्त में करना सीखा था। आज हम एक नई चीज़ भी करते हैं, जो हमने कहानी सुनी है हवाई जहाज़ की रेस, उस कहानी की कुछ तस्वीर हम स्क्रीन पर देखते हैं और फिर अपने आप को टेस्ट करते हैं कि हम इन तस्वीर के साथ सही एडजेक्टिव्स चुन सकते हैं कि नहीं। आइए जरा छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं। मैं ये सेंटेंसेस इंग्लिश में ही पढ़ूंगी और आपने पिक्चर देख के और सेंटेंस सुनकर ये बताना है कि एडजेक्टिव कौन सा सही है। फर्स्ट सेंटेंस, बूम बूम्स कलर इज। ऑप्शंस, ग्रीन या फिर पिंक। बूम बूम्स कलर इज ग्रीन। यस, बूम बूम्स कलर इज ग्रीन। नेक्स्ट सेंटेंस, बूम बूम स्पीड इज। ऑप्शंस, fast, slow. What is Boom Boom's speed? Is it fast or slow? Ji haan, fast yani tez. Boom Boom's speed is fast. Ab zara Zoom Zoom ko bhi dekhte hain. Zoom Zoom got options wet ya dry. पिक्चर में जो हो रहा है उसमें जूम जूम ड्राई हुआ कि वेट। वेट यानी गीला,
क्योंकि वो पानी में जो गिर गया। नेक्स्ट सेंटेंस, केटू इज ऑप्शंस हाई और लो, ऊंचा या नीचा। केटू इज हाई, बिल्कुल ऊंचा। शाबाश, एडजेक्टिव्स की मदद से कितने सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं। पाकिस्तान का झंडा याद है? उसमें कोई एडजेक्टिव होता है? गौर से देखें। जी, पाकिस्तान के झंडे में दो रंग हैं, ग्रीन एंड वाइट। पाकिस्तान का झंडा भी बूम बूम की तरह ग्रीन है, इसमें वाइट भी है, और ग्रीन और वाइट एडजेक्टिव्स हैं। आपको पता है बच्चों, ये ग्रीन और वाइट जो हमारे झंडे में है, यानी हरा और सफेद, इसका मतलब क्या है? मैं आपको बताती हूँ। इसका मतलब ये है कि जो हरा है वो हमारे मुल्क में जो मुसलमान हैं उनकी निशानदेही करता है, और जो सफ़ेद है वो उनकी निशानदेही करता है जो मुसलमान नहीं है या जिनका किसी और मज़हब से ताल्लुक है। हमारे झंडे में मुसलमानों का भी और वो सब जो मुसलमान नहीं है दोनों का रंग है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में जो अलग अलग लोग रहते हैं वो मिलजुल कर काम करेंगे तभी पाकिस्तान तरक्की कर सकेगा। इसी तरह का कुछ पैगाम कायद आज़म ने ज़ैनब को भी दिया है। आइए देखते हैं वो ज़ैनब को क्या कह रहे हैं। जैनब चलो अंदर चलो। लेकिन अब्बा मैं अभी सारा के साथ खेल रही हूँ। जैनब मैंने कहा ना अंदर चलो, बहस ना करो। जैनब तुमने आइंदा सारा के साथ नहीं खेलना। जी लेकिन क्यों? क्योंकि वो हमसे अलग है इसलिए। अलग मगर कैसे? जैनब मैं कह रहा हूँ ना, वो हमसे अलग है, बहस मत करो और अपने कमरे में जाओ। जाओ। सारा मुझसे अलग है? वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। कायदे आजम क्या कहते? ज़ैनब। कायदे आजम, ये हम कहाँ हैं? ये तुम्हारा ख्वाब है और मैं तुम्हारे ख्वाब का हिस्सा हूँ। आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता। सारा इतनी उदास क्यों है? सोचो अगर लोग तुम्हें अलग कहने लगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? नहीं। और अगर इसी तरह सब अलग होते रहे तो पाकिस्तान का क्या होगा? नहीं ज़ैनब, मेरा इरादा पाकिस्तान के लिए ये था कि ये एक ऐसा मुल्क हो जहाँ सब बराबर शहरी हो जो एक मुअज़्ज़ज़ जिंदगी गुजार सके। इसका कोई हल नहीं है? तुम इस नफरत के सिलसिले को खत्म कर सकती हो ज़ैनब। तुम्हें खुद अपने मुल्क में इंसाफ और इंसानी बराबरी की हिफाजत करनी होगी, और अगर मजबूत ईमान, तंजीम और अकीदा हो तो सब कुछ मुमकिन है। मगर कैसे? पहला कदम उठाकर ये फैसला तुम्हें खुद करना होगा ज़ैनब। ज़ैनब बेटा, बेटा मैं जो कल तुम्हारे साथ गुस्सा हो गया था वो हमसे अलग है। अब्बा वो हमारी तरह एक पाकिस्तानी है और उसने कुछ गलत नहीं किया। कायद ने कहा हम सब चाहे कोई भी रंग, नस्ल या फिर के हो, सब एक मुल्क के शहरी हैं। हम सब के लिए बराबर हकूक, सहूलतें और जिम्मेदारियां हैं। अगर एक दूसरे के साथ बिला वजह की दूरियां रखेंगे तो एक मुत्तहिद पाकिस्तान कैसे बनाएंगे? तो फिर हम सब इकट्ठे खेले। चलो फिर चलो आओ खेले।
देखा दोस्तों, हम सब एक दूसरे से जितने भी मुख्तलिफ क्यों ना हों, अगर हम मिलजुल कर रहेंगे तो खुश भी रहेंगे और कामयाब भी होंगे। जैसे ज़ैनब और सारा साथ खेलती कितनी खुश लग रही थी, दोनों बच्चियां इंजॉय कर रही थी, मज़े कर रही थी। अगर दोनों में से एक को खेलने से मना कर दिया जाए तो पीछे कितनी बच्चियां बचेंगी? दो में से एक निकालें, एक अकेली बच्ची रह जाएगी, वो क्या खेलेगी? बच्चों, जो मैंने अभी आपसे सवाल किया है, आपको पता है ये एक मैथ्स के टॉपिक का भी सवाल है। इस मैथ्स के टॉपिक को सब्ट्रैक्शन कहते हैं, यानी माइनस करना। इसमें हम किसी एक नंबर में से दूसरे नंबर को निकाल कर देखते हैं कि बाकी कितना बचा है। तो आए ज़रा पिंकी से कहते हैं कि हमें सब्ट्रैक्शन यानी माइनस करने के बारे में कुछ बता तो दे। ये कहानी है पिंकी के गांव की, जहाँ पिंकी अपनी अम्मी के साथ मूर्तियों का ख्याल रखा करती थी। उसकी अम्मी मुर्गियों अंडे लेती और पिंकी को रोज सुबह उनका अंडा बना के देती। पिंकी के पास बहुत सी मुर्गियां और चूजे थे एक और मुर्गियां थी फाइव। एक दिन पिंकी जब अपनी मुर्गियों के साथ थी तो कोई उसे बहुत दूर से गौर से देख रहा था और एक मंसूबा बंदी कर रहा था। जैसे ही रात का अंधेरा छाया तो किसी ने 1, 2, 3 मुर्गियां ले ली और 5 चूजे। अब जरा इनको माइनस करें। ऊपर थी 5 मुर्गियां हमारे पास, उसमें से माइनस करें यानी निकाल दें 3 मुर्गियां, तो कितने बचे? ये है नंबर 3। तो हम ऊपर वाली 5 बीड्स में से 3 बीड्स निकाल देंगे, 1, 2, 3। तो पीछे बाकी बची 1, 2 बीड्स और यू आंसर आ गया 2। अब हम चूज़ों का हिसाब लगाएंगे। पिंकी के पास थे 8 चूज़े, उसमें से माइनस कर दें यानी निकाल दें 5 चूज़े जो कोई उठा के ले गया। अब हम इन 8 बीट में से 5 बीट्स को काट देंगे, 1, 2, 3, 4, 5। 5 बीट्स काट दी तो पीछे कितनी बची? 1, 2, 3, 3 बीट्स, तो आंसर आ गया 3। अब जब अगली सुबह हुई तो पिंकी अपनी मुर्गियाँ और चूज़े गायब देखकर बहुत परेशान हुई और जाके अम्मी से इस बारे में पूछा, जिनको कोई ख़बर नहीं थी। फिर उसने जाके ये सब कुछ अपनी दोस्त बंटी को बताया तो बंटी बोली कि मुंशी और जुगनू अंकल की मुर्गियाँ भी चोरी हो चुकी हैं। दोनों सुराग लगाने जंगल की तरफ निकले तो रास्ते में उन्हें बहुत सारे मुर्गियों के पर नज़र आए। पिंकी ने कहा, ये तो मेरी ही मुर्गियों के पर हैं, ज़रूर कोई गड़बड़ है। वो दोनों आगे चल पड़ी। आगे जाके उन्होंने देखा कि दूर से तो बड़े बड़े ट्रक किसी तरफ जा रहे हैं। अब पिंकी और बंटी ने उनका पीछा करना शुरू किया और ऊपर आके उन्हें एक बहुत ही पुराना सा घर नज़र आया, जिसके बाहर एक बड़ा सा ट्रक खड़ा था जिसमें डब्बे डाले जा रहे थे। उनको कुछ समझ ना आई तो वो घर के अंदर चल दी। अंदर जाके उन्हें एक जगह ढेर सारे अंडे नज़र आए और दूसरी तरफ मुर्गियाँ और उनका गोश्त। पिंकी ने कहा कि ज़रूर कोई गड़बड़ है, चलो आगे चल के देखते हैं। आगे गए तो उन्हें अपनी सारी की सारी मुर्गियाँ नज़र आईं जो कि कमरे में बंद थी। बंटी ने कहा कि हमें सबसे पहले जाके इंस्पेक्टर ठाकुर को ये सारी बात बतानी चाहिए। अब वो दोनों पहुंचे पुलिस स्टेशन और ठाकुर अंकल को सारी बात सुनाई।
इंस्पेक्टर ठाकुर ने उस घर पर छापा मारा और दोनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। इतनी देर में जुगनू और मुंशी अंकल भी वहां पहुंच गए। सब अंदर आए और अपनी मुर्गियों का हिसाब करने लगे। तो ये कुल मिला के थी 19 मुर्गियां। सबसे पहले मुंशी अंकल की मुर्गियां निकालें तो पहले थी 19 मुर्गियां, इसमें से माइनस कर दी मुंशी अंकल की 3 मुर्गियां। अब इस तरफ है 9, इस 9 में से हम 3 निकाल देंगे। 1, 2, 3, 9 में से निकाल दिए 3 तो पीछे बचा 1, 2, 3, 4, 5, 6। यू आंसर आ गया 6। अब हम दूसरी तरफ आए तो इधर ऊपर है 1 और 1 के नीचे कोई भी नंबर नहीं, तो इसलिए हम 1 को वैसे का वैसे ही नीचे आंसर में लिख देंगे। यूँ उनके पास बची 16 मुर्गियाँ। अगली बारी थी जुगनू अंकल की मुर्गियों की। टोटल मुर्गियाँ थी 16, जिसमें से हम माइनस करें यानी निकाल दें जुगनू अंकल की 6 मुर्गियाँ। तो अब गौर से देखें, ये ऊपर हैं 6 बीट्स, इनमें से हम 6 निकाल देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और पीछे कुछ भी ना बचा, यानी कि आंसर में आ गया 0। अब हम आएंगे दूसरी तरफ जहाँ पे ऊपर सिर्फ 1 है और नीचे कुछ भी नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, जी हाँ, ऊपर वाले 1 को वैसे ही नीचे आंसर में लिख देंगे। और पीछे यूँ बच गई 10 मुर्गियाँ, जो कि पिंकी और पंची की थी। उन्होंने अपनी मुर्गियाँ साथ ली और घर चल पड़ी। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेसन, जिसमें हमने सब्ट्रैक्ट करना यानी कि निकालना सीखा। अब मेरे साथ करें, 6 माइनस 3, 6 में से 3 बीड्स निकाल दें, नीचे बची 1, 2, 3, तो आंसर आ गया 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 माइनस 2, अब हम 8 बीड में से 2 बीड्स को काट देंगे, 1, 2, तो बाकी कितनी बची, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आंसर आ गया 6। अगला क्वेश्चन देखें, 23 माइनस 2, अब पहले हम 3 में से 2 माइनस करेंगे, 3 बीड में से 2 बीड्स को काट दें, 1, 2, तो बाकी बची 1 बीड, तो नीचे लिख देंगे हम 1। अब आएं दूसरी तरफ जहाँ पे ऊपर है 2 और नीचे कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जी हाँ, ऊपर वाला 2 नीचे आंसर में वैसे ही लिख देंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 17 माइनस 5, एक तरफ है 7 और उसके नीचे 5, तो हम 7 में से 5 बीड्स को काट देंगे, तो बाकी कितनी बची, 1, 2, 2 बीड्स। और इस तरफ देखें तो ऊपर है 1 और उसके नीचे कोई नंबर नहीं, इसलिए हम 1 को वैसे ही नीचे लिख देंगे। अभी प्ले स्टोर से ताली मेहबान डाउनलोड करें। बच्चों, ये वीडियो देखकर मैंने कुछ लिखा है, आप सुनेंगे, एक सेकेंड। मैंने लिखा है, पिंकी ने हमें माइनस करना सिखाया, सीख के मुझे बड़ा मजा आया, आगे अब हम क्या पढ़ें, वही सीखेंगे जो आप कहें। वाह, ये तो नज़म बन गई। बच्चों, आपकी मरियम आपा तो शायरा बन गई हैं। वैसे मुझे बचपन से ही नज़में पढ़ने और सुनने का बहुत शौक है, कभी कभी लिख भी लेती थी। आपने कभी कोई नज़म लिखी है? आए आज हम सीखते हैं कि नज़म कैसे लिखी जा सकती है, उसके बाद तो आप सब शायर बन जाएंगे। आइए सीखते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नज़म। नज़म एक खास तरीके से लिखे हुए कलाम को कहते हैं, जैसे अम्मी आई, हलवा लाई,
आम भी आए, हम सब ने खाए। और नज़म लिखने वाले को शायर कहते हैं, जैसे इस नज़म के शायर सूफी तबस्सुम हैं। एक था लड़का टोट पटोट ला 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 ला, एक था लड़का टोट पटोट ला 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 ला, अम्मी बोली बेटा आओ शहर से जाकर लड्डू लाओ, सुनते ही वो लेकर निकला जेब में एक रुपए का नोट ला 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 ला, इतना उसका जी ललचाया रास्ते में ही खाता आया, खाते खाते आई हिचकी दांत पे उसके लग गई चोट ला 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 ला, एक था लड़का टोट पटोट ला 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 ला। अभी प्ले स्टोर से तालीम अबाद डाउनलोड करें। बच्चों आपको पता है कि जिन अल्फाज की आवाज एक जैसी होती है, जैसे जूम जूम और बूम बूम, पढ़े और कहे, गाया नहाया, इन अल्फाज को इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स भी कहते हैं और आज हमने ये भी सीखे हैं। जरा देखते हैं कि आज की किस्त में हमने क्या कुछ सीखा है। आज की किस्त में हमने वर्जिश की, कहानी हवाई जहाज की रेस सुनी और पाकिस्तान की कई मशहूर जगहों के बारे में सुना। इसी कहानी से ये भी सीखा कि हारने पर गुस्सा आना कोई गलत बात नहीं, लेकिन इससे दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, बल्कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए। फिर हमने कुछ नए इंग्लिश वर्ड्स सीखे जिन्हें एडजेक्टिव्स कहते हैं। ये एडजेक्टिव्स हमें नाउन्स को डिस्क्राइब करने में मदद करते हैं, यानी उनकी मालूमात देते हैं। फिर हमने नंबर्स को एक दूसरे से माइनस करना सीखा और ये भी सीखा कि शेर कैसे लिखते हैं। इस हफ्ते के होमवर्क के तीन हिस्से हैं। पहला ये कि आपने पाकिस्तान पर छोटी सी नज़म लिखनी है। दूसरा हिस्सा ये है कि अपने सबसे अच्छे दोस्त के लिए कोई 5 एडजेक्टिव्स लिखें। तीसरा हिस्सा कि आप गिने कि आपके घर में कितने लोग हैं, इनमें से अगर सारे लड़के माइनस करें तो कितने लोग रह जाएंगे, ये करके किसी बड़े को जवाब चेक करा दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, होमवर्क करना मत भूलिएगा, हमें ढेर सारे मैसेजेस और ड्राइंग्स भेजिएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते, अल्लाह हाफिज़। ड्राइंग्स भेजने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0301-119-2319। दोहरा रही हूँ, 0301-119-2319। इस नंबर पे आप बच्चे हमें ड्राइंग्स बनाकर व्हाट्सएप कर दीजिए। होमवर्क के लिए नाम SMS करने का जो नंबर है वो है 0300-060-2240। होमवर्क करके हमें अपने नाम SMS करने का नंबर दोहरा रही हूँ, 0300-060-2240। नाम SMS करते हुए शुरू में लिखिए ILM इल्म, बच्चे का नाम, शहर और उम्र।